नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। पीएनसी इंफ्राटेक, देखिए इस स्टॉक का प्राइस आज लगभग 20% डाउन हुआ है बिकॉज इस कंपनी 1 ईयर के लिए डिसक्वालिफिकेशन हो गया है फ्रॉम रोड मिनिस्ट्री टेंडर्स, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर आ रहा है। एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि जिस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है उसका इंपोर्टेंट सपोर्ट को अगर होल्ड कर लेता है तो आने वाले टाइम में आउट परफॉर्मेंस कर सकता है, नहीं तो नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास भी जा सकता है जो कि बहुत ही नीचे है 230 के आसपास। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है पीएनसी इंफ्राटेक का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली, स्टॉक का प्राइस ईयर 2020 में यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन किया था, उसके बाद देखिए स्टॉक का प्राइस जब भी इस ब्लैक लाइन को टेस्ट किया है ना हमेशा से डिमांड मिला है। इसका मीनिंग है कि स्टॉक का प्राइस के लिए ब्लैक लाइन हो गया एक मल्टी ईयर का सपोर्ट लाइन एंड उसी लेवल के आसपास प्राइस अभी ट्रेडिंग कर रहा है जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है अभी के लिए। उसके साथ देखिए प्राइस के लिए रेड लाइन था इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, प्राइस अगर कोई भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर लेता है, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करेगा तो वही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो प्रीवियसली था अभी के लिए सपोर्ट जैसा काम करेगा। तो स्टॉक का प्राइस देखिए अभी उसका मल्टीपुल सपोर्ट के आसपास है, अगर इस सपोर्ट को होल्ड कर लेता है तो इसी केस में प्राइस यहाँ पे फिर से लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है, अगर इस सपोर्ट को प्राइस ब्रेक कर देगा उसी केस में जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा नियरली 220 नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन अभी भी स्टॉक का प्राइस इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, पॉसिबिलिटी वेरी हाई है कि प्राइस यहाँ पे बाउंस बैक कर सकता है टेम्पोरली, उसके बाद अगर ब्रेक करेगा नहीं तो ये दोनों लाइन के नीचे सस्टेन करेगा तो अभी जाकर 220 के आसपास जा सकता है। उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। अगर सेल्स देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स डाउन हुआ है लेकिन नेट प्रॉफिट 400 करोड़ से जंप किया है 575 करोड़ का, तो सेल्स में डाउन देखने को मिला है लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे, मेजोरिटी होल्डिंग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं प्रोमोटर 56% जो कि एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, FI होल्ड कर रहे हैं 10%, DI शेयर होल्डिंग को डिक्रीज किए हैं, पब्लिक इंक्रीज किए हैं जो कि रेड फ्लैग है। मैं ऐसा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।